वास्तव में प्रति माह उत्तर पूर्व के एक राज्य में केंद्रीय मंत्री का आना और उसमें यह तय होता है कि हमें किस जिले में जाना। तो अप्रैल माह में मुझे आसाम के बक्सा जिले का मेरा प्रवास तय हुआ था सरकार की तरफ से। उस काम को आज मैं पूरा करूंगा, तो उसमें हमें केंद्र की सभी योजनाओं की समीक्षा करना। और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज विश्व पृथ्वी दिवस भी है और बक्सा के जिला भारतीय जनता पार्टी कार्यालय का भूमि पूजन का समय भी वही निकला जब मैं यहाँ पर पहुँचा, तो मुझे उस शुभ कार्य में शामिल होने का सौभाग्य मिला है। मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के संगठन में कार्यालय बेहद महत्वपूर्ण स्थान होता है। वो ऊर्जा संपन्न होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को भी यहाँ से काम करने का अवसर मिलेगा। शुभकामनाएं। आर्थिक सहयोग करती है, अगर कोई निचले स्तर पर कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप है, एफपीओ है, सोसाइटी है या कोई पर्सनल इंडिविजुअल है, अगर वो चाहता है तो हम 10 लाख का हमारा एक पहला पीएमएफएमई की योजना है, अगर 10 लाख लेंगे तो 35% उसमें उसको सब्सिडी मिलेगी। उसको अगर वो चुकता करता है तो 20 लाख और 25 लाख ले सकता है, फिर नेक्स्ट टाइम में वो 50 लाख तक जा सकता है। एक इस लेवल के लोगों के लिए ये सुविधा है। उसके ऊपर है आपके नलवाड़ी में मेगा फूड पार्क है, उसमें यूनिट स्कीम है। यदि आप उससे बड़ा कोई व्यक्ति है जो 10 करोड़ का या 15 करोड़ का इन्वेस्टमेंट के साथ कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो उसमें भी हम 3 से 5 करोड़ की सब्सिडी देते हैं। ये पीएम केएसवाई जो सबसे लोकप्रिय योजना है, 2014 से चल रही है। तीसरी है पीएलआई, और इसमें जो बड़े उद्योगपति हैं वो चाहें तो देश के बाहर दुनिया में भी भारतीय खान पान, भारतीय कंपनी चाहिए और भारतीय खान पान हमारे प्रोडक्ट को लेकर अगर दुनिया में जाती है तो हम उसको भी मदद करते हैं। तो ये मोटे तौर पर मैंने आपको 3 स्टेप बताए। हर स्तर के व्यक्ति को भारत सरकार पैसा देती है और हम ये चाहते हैं कि जो निचला स्तर है, जो हमारी माताएं बहनें घरों में अपना खान पान बनाती हैं, ये ऑर्गेनाइज हो जाए। और इसलिए 2 लाख यूनिट को 10 साल में हमको 10,000 करोड़ रुपये देने हैं और अभी इसकी सूचना कम है। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि हमारी माताएँ बहनें हों, समूह के लोग हों, सोसाइटी के लोग हों, एफपीओ के लोग हों, इस योजना का लाभ लेकर अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं।